अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली दिवाली है। पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग श्री राम लला के दर्शन करने के लिए वहां आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए व्यापक व्यवस्था की हुई है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र से बात की है संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्रद्धालुओं के लिए अनेक बेहतर सुविधाएं स्थापित की हैं जिससे किसी तरीके की दिक्कत न हो। समुचित दर्शन की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा कम से कम प्रतिवर्ष अगर करोड़ों में लोग आते हैं तो दिवाली के मौके पर प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद रहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, पहली दीपावली है रामलला जी के विराजमान होने के बाद, 1 लाख दीप जले, क्या क्या अनुष्ठान, क्या क्या तैयारियां, क्या क्या उद्गार? बहुत आनंद पूर्वक ये दीपावली हम लोग यहाँ मना रहे हैं। पूरी अयोध्या उल्लास से भरी हुई है। आने वाला श्रद्धालु आनंद के साथ स्वयं अपने घर से दीपक तेल बत्ती लेकर के आ रहा है, इस पथ पर दीप दान कर रहा है, स्वयं इसकी सज्जा कर रहा है। इस बार प्रभु राम के विराजित होने के बाद पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम था यहाँ। उस दीपोत्सव का प्रारंभ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और सभी लोग यहाँ आए और प्रभु राम के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का उद्घाटन किया। आज मुख्य दीपावली का दिन है, कल तो 1 लाख दीपक जले, क्या क्या अन्य अनुष्ठान विधि विधान से ईश्वर की पूजा और दीपदान और अन्य कार्यक्रम क्या कुछ है मंदिर प्रांगण में? कल से ही हमने 28 तारीख से ही पूरे परिसर को विद्युत से, द्वारों से, तोरण द्वारों से सजाने का काम किया है। परिसर में लाखों दीपक जलाने का काम लगभग 1200 से 1500 कार्यकर्ताओं ने, राम भक्तों ने आकर के परिसर में किया है। पूरी देश दुनिया जानना चाहती है मंदिर का निर्माण किस पहले चरण में प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही चुकी है, किन किन क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहा है और कब तक ये संपूर्ण होने की उम्मीद है? मंदिर का निर्माण बहुत तीव्रता के साथ चल रहा है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा सेवा केंद्र है, यहाँ आने वाला श्रद्धालु आप 1000 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं। मंदिर की जहाँ तक बात है वो फरवरी तक, मार्च तक मंदिर पूर्ण हो जाएगा निर्माण का कार्य। रामलला की पहली दीपावली है विराजमान होने के बाद, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने ही कहा, अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अवधपुरी की धूल को भी स्वर्ग से भी महान बताने वाले भगवान श्री राम हमें प्रेरणा देते हैं और यही संदेश समूची मानवता को अयोध्या से जाता है। दीपावली से निकला प्रकाश पूरी दुनिया में यही कहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD News अयोध्या।